सुल्तान राही एक बेहतरीन फनकार और एक आला इंसान जिसने बहुत ही मेहनत मुशक्कत से फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी समेटी सुल्तान राही और अताउला ईसा खेलवी दोनों की स्ट्रगल तकरीबन एक जैसी थी और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में अनबीटेबल रहे अताउला साहब माशा आज भी हयात हैं अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी करे लेकिन राही साहब को गुजरे कई दहाइयां गुजर गईं। लेकिन यह जख्म और सदमा आज भी वैसे ही है जैसे पहले दिन था राई साहब का असल नाम सुल्तान मोहम्मद खान था उनकी पैदाइश इंडिया में हुई उत्तर प्रदेश में 1938 में पैदा हुए वालद का नाम अब्दुल मजीद जो फौज में सूबेदार मेजर थे जब पाकिस्तान बना तो यह फैमिली पाकिस्तान हिजरत करके रावलपिंडी में आकर बस गई रावलपिंडी में बचपन गुजरा और तालीम हासिल की सुल्तान राही को अदाकारी का शौक पहले दिन से था जब जवानी की तरफ बढ़े, तो फिल्मों में काम करने का ख्वाब लिए लाहौर चले आए 1955 से अपने कैरियर का आगाज किया ओपन एयर थिएटर से अदाकारी के सफर का आगाज हुआ चार साल थिएटर में किस्मत आजमाई करते रहे 1956 में पहली बार फिल्मों में कदम रखा फिल्म का नाम था बागी जिसमें राही साहब को मामूली सा किरदार दिया गया और किरदार इतना मामूली था कि उसको उस फिल्म में तलाश करना बहुत मुश्किल है यूं 12 साल छोटे मोटे किरदार करते रहे और इन 12 सालों में राही साहब ने सौ के करीब फिल्मों में बतौर मुआवन अदाकार काम किया मगर किसी को मालूम ना हो सका कि फिल्मों में यह मामूली किरदार करने वाला शख्स मुस्तकबिल में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह बनेगा राही साहब ने हौसला नहीं हारा और मेहनत करते रहे उन्हें खुद पर यकीन था कि एक दिन जरूर कामयाब होंगे आप अंदाजा लगाएं कि कोई इंसान मुसलसल 12 साल कोई काम करता रहे इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन कामयाब होगा बहुत ही हिम्मत और हौसला चाहिए और ऐसा इंसान कामयाब ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता 1968 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था बदला इस फिल्म में सुल्तान राशि साहब को विलन का किरदार दिया गया और जहां से उनके विलन के सफर का आगाज हुआ और ये सिलसिला पांच साल चलता रहा यानी 1973 तक राही साहब बतौर विलन आते रहे राही साहब अठारह साल फिल्म इंडस्ट्री में नाम पेट की आग बुझाने के लिए यह सब कुछ काफी नहीं था तो मजबूरन राही साहब ने दीगर मेहनत मजदूरिया भी की जैसे होटलों में बैरागिरी की मुख्यम मजदूरिया करना घर वालों ने बहुत मना किया लेकिन राही साहब कहते थे कि एक दिन मुझे पूरी दुनिया जाने की 1971 में सुपरहिट फिल्म बाबुल में उन्हें एक बदमाश का सानवीसा किरदार दिया गया जो कि बहुत मकबूल हुआ सुल्तान राय की खबरदार और गरजदार किस्म की आवाज उनके चेहरे के तासुरात उनकी कामयाबी की वजह बना इस फिल्म के बाद फिल्म साजो की नजर राही साहब पर पड़ी और यहां से राही साहब के कामयाब दौर का आगाज हुआ उन्नीस में बतौर विलर उनकी पहली फिल्म बशीरा रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर असलम डार थे दरअसल इस फिल्म में असलम डार साहब सावन को लेना चाहते थे लेकिन उसने इस फिल्म के लिए इस कदर मुआवजा मांग लिया कि असलम डार ने राही साहब को कम मुआवजे में कास्ट कर लिया और फिर यहां से सावन के जवाब और राही साहब के अरूज के दौर का आगाज हुआ जगीरा ते दे भी ते दे ते टाका नहीं। मतलब दी

कुदरत को कुछ और ही मंजूर था फिल्म बशीरा ने सुल्तान राही को सुपरहिट बना दिया देखते ही देखते वो पाकिस्तान की फिल्मी सनत के सबसे और सबसे और और अदाकार बन गए फिल्म बशीरा और जट इन दोनों फिल्मों ने ही राही साहब को हमेशा के लिए अमर कर दिया फिर ऐसा दिन भी आया कि राही साहब लॉलीवुड बन गए मतलब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सुल्तान राही के बगैर नामुकम्मल थी राही साहब को ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया एक दिन में कई कई फिल्मों की शूटिंग पर जाया करते थे राही साहब जब शूटिंग पर जाते तो जाकर कहते कि नलका आ गया है जिसने पानी भरना है जल्दी से भर लो फिर नलका चला जाएगा राही साहब ने हर स्टूडियो में एक मस्जिद तामीर करवाई जहां वो खुद जमात करवाया करते थे क्योंकि वो पांच वक्त की बाद जमात नमाज पढ़ने के आदि थे राही साहब वैसे करते तो फिल्मों में काम थे मगर अंदर से दरवेज सिर्फ इंसान थे बहुत ज्यादा खोफे खुदा था गरीबों मोहताजों की मदद करना फिल्म इंडस्ट्री से अब बस्ता तमाम छोटे फनकारों की फैमिलीज की کفالت किया करते थे इस कदर مصروف थे कि एक दिन में 10-10 फिल्मों की शूटिंग करते राही साहब ने 700 के करीब फिल्मों में काम किया और आज तक सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले राही साहब ही हैं इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राही साहब का नाम आज भी दर्ज है

क्यों ऊंची जगहों पर बैठू उन्नीस की फिल्म सखी बादशाह उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई जिसका गीत दम भरोसा यार दम आवे आवे ना को जब वो इस्लामा से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आ रहे थे तो रास्ते में चंद नामालूम अफराद ने उन्हें लूटना चाहा राही साहब ने मुजात कर दी जिस वजह से डाकुओं ने गोलियां मार दी और उन्हें कत्ल कर दिया राही साहब की डेथ मौके पर हो गई ये कतल राही साहब का नहीं था बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का कतल था इस कतल ने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया कई खानदानों के चूल्हे ठंडे हो गए मोले नौला ना मारे तो मौला नहीं मरता और वाकई ही में ऐसा हुआ आज तक मोले को कोई नहीं मार सका तेरी आज भी मौला हमारे दिलों में जिंदा है राही साहब के माशाल्लाह पांच बच्चे हैं जिनमें चार बेटियां और एक अकलौता बेटा बेटे का नाम हैदर सुल्तान जिनको आप जानते ही होंगे जबकि बेटियां और वाइफ तमाम अकलोता हैं मगर अमेरिका में रहते हैं राही साहब की फैमिली की खातन कैमरे के सामने नहीं आती जिस वजह से आज तक कभी कोई कैमरे के सामने नहीं आ सका लेकिन तमाम अफराद अमरीका में होते हैं हैदर सुल्तान पाकिस्तान में है और वो भी अमेरिका जाते आते रहते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मगर अपने वालद की तरह कामयाब ना हो सके मगर हम उम्मीद करते हैं कि हैदर सुल्तान एक दिन अपने वालद की तरह जरूर कामयाब होगा अल्लाह पाक राही साहब को करवट करवट जन्नत अता करे आमीन तमाशा जी तारी चंजी मार मुकाणी